एक वो दौर था जब पति अपनी भाभी को आवाज लगाकर घर आने की खबर अपनी पत्नी को देता था और पत्नी की छनकती पायल और खनकते कंगन बड़े ही उतावलेपन के साथ पति का स्वागत करते थे। हमसे बड़े एवं बुजुर्गों की बातों का सिर्फ हमारे पास हां और जी में जवाब होता था। आज बेटा बाप से बड़ा हो गया है, रिश्तों का केवल नाम ही रह गया है, ये समय समय की नहीं समझ समझ की बात है। बीवी से तो दूर बड़ों के सामने हम अपने बच्चों तक से बात नहीं करते थे और आज बड़े बैठे रहते हैं और हम सिर्फ बीवी से बात करते हैं। दादाजी के कंधे तो मानो पोतों पोतियों के लिए ही आरक्षित होते थे और काका ही भतीजों के दोस्त हुआ करते थे। आज वही दादू दादी वृद्धाश्रम की पहचान है। चाचा चाची तो बस रिश्तेदारों की सूची का नाम है। बड़े पापा सभी का ख्याल रखते थे, अपने बेटे के लिए जो खिलौना खरीदा वैसा ही खिलौना परिवार के सभी बच्चों के लिए लाते थे। ताऊ जी आज सिर्फ पहचान रह गए और छोटे के बच्चे पता नहीं कब जवान हो गए। दादी जब बिलोना करती थी मेरे बेटों को भले ही छाछ दे पर मक्खन तो केवल पोतों में ही बढ़ती थी। आज दादी ने पोतों की आस छोड़ दी क्योंकि पोतों ने अपनी राह अलग मोड़ दी। राखी पर बुआ हमारे घर आती थी और घर में नहीं मोहल्ले में फूफा जी को सभी चाय नाश्ते पर बुलाते थे। आज बुआ जी बस दादा दादी के बीमार होने पर आती है, किसी और को उनसे मतलब नहीं, चुपचाप नयन नीर बरसाकर वो भी चली जाती है। और कुछ बुआ भाई भाई को लड़ाकर अपनी मतलब निकालती है। शायद मेरे शब्दों का कोई महत्व न हो पर कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की कि हम अभी जिंदा हैं या बस यूं ही जी रहे हैं। अंग्रेजी ने अपना स्वांग रच दिया, शिक्षा के चक्कर में संस्कारों को ही भुला दिया। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार और पहला शिक्षक उसकी मां होती थी। आज परिवार ही नहीं रहे, पहले शिक्षक का क्या काम। ये समय समय की नहीं समझ समझ की बात है। Subscribe our channel Musified Productions for more musical gems and do hit the bell icon for notification updates.